खबरनामे को पेश करदा अलमन्ना ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। नाजरीन, आजकल की इस दुनिया में नेकी का तो जमाना ही बाकी नहीं रहा, क्योंकि इंसान हमदर्दी और इंसानियत के चलते कुछ ऐसे नेक काम कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर इसके ख़तरनाक व जानलेवा नतायज भी सामने आते हैं। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जहां एक मुमेरी बहन का रिश्ता लगाना पड़ा एक फुफेरी बहन पर भारी। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ टोली चौकी के इलाके में रहने वाली 50 साल खातून रेहाना बेगम और उनकी बहन राशिदा बेगम पर उनकी भावज ने अपनी 3 बेटियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में राशिदा बेगम और रेहाना बेगम शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। मुतासरीन ने कहा कि इन्हें इनकी भावज और भतीजियों की जानिब से मुसलसिल जान से मार देने की धमकियां भी मौसूल हो रही है। तमाम ने मीडिया के जरिए सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और तमाम मजलिसी जिम्मेदारान से इनकी मदद करने की गुजारिश भी की है। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात मुतासरा खवातीन की जबानी। हाँ,